कुछ दिन पहले हॉलीवुड में एक बड़ी हड़ताल देखी गई जिसने दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बटोरी। इस हड़ताल में बड़ी फिल्मी सितारों से लेकर छोटे कर्मचारी तक शामिल हुए और हॉलीवुड का पहिया पूरी तरह से थम गया। क्या बॉलीवुड में भी सितारों की कभी ऐसी एकजुटता देखी गई? हाँ, 1986 में बॉलीवुड सितारों ने न सिर्फ हड़ताल की थी बल्कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था। आज बात करते हैं बॉलीवुड की इस चर्चित हड़ताल के बारे में, आखिर क्या वजह थी, सब जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह बात है सन 1986 साल की, जब महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा टिकटों पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। खबरों के मुताबिक सरकार सिनेमा टिकटों पर 177% राज्य कर वसूल रही थी। इसके अलावा फिल्म निर्माण में 4% सेल्स टैक्स भी लगाया जा रहा था। ऐसे में बॉलीवुड ने अपने दर्शकों के हक की आवाज़ उठाने का फैसला किया। 10 अक्टूबर 1986 को इन टैक्स को तुरंत हटाने की मांग के साथ बॉलीवुड कलाकारों ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी। बॉलीवुड की इस हड़ताल में राज कपूर, दिलीप कुमार, विनोद खन्ना, सुनील दत्त, देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन समेत सभी सितारे शामिल थे। हड़ताल की वजह से करीब 200 फिल्मों का निर्माण रुक गया था। फिल्म जगत में करीब 1.5 लाख लोगों ने अपना काम बंद कर दिया था। अपने भाषण में दिलीप कुमार ने कहा था, आपने मशीन, तकनीक, कंप्यूटर का आयात कर लिया है, लेकिन आप संस्कृति का आयात नहीं कर सकते। 21 अक्टूबर 1986 को सभी बड़े सितारों ने सड़कों पर प्रदर्शन करने का फैसला किया। बॉलीवुड की इस हड़ताल की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा होने लगी। शुरुआत में महाराष्ट्र के बाहर फिल्मों की इजाजत थी, लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ा, फिल्म जगत पूरी तरह ठप हो गया था। दक्षिण भारत सिनेमा जगत ने भी बॉम्बे सिने जगत को अपना समर्थन दिया था। सरकार से बातचीत करने के लिए सितारों ने एक समिति बनाई। अमिताभ और सुनील उन दिनों कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के सदस्य थे, उन्हें इस समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस समिति ने तत्कालीन मुख्यमंत्री SB चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने 3 सांसदों और 16 विधायकों के साथ इस समिति के सदस्यों से मुलाकात की। हालांकि सुनील दत्त मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद आने वाले दिनों में और भी प्रदर्शन किए गए। आखिर सरकार ने फिल्म टिकट पर सालाना 15 करोड़ रुपए टैक्स को कम करके 5 करोड़ कर दिया। फिल्म निर्माताओं से लिए जाने वाला 4% सेल्स टैक्स भी अस्थायी रूप से हटाया गया। इस समझौते के बाद अमिताभ और सुनील दत्त ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन फिल्म जगत के ज्यादातर लोग मांगों को पूरी तरह नहीं माने जाने से नाखुश थे। नतीजा यह हुआ कि वे इन दोनों कलाकारों से ही नाराज हो गए।